बिहार आज भी देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा भुखमरी और बेरोजगारी वाला राज्य है। ये बात से तो कोई इनकार ना कर सकेला। नेतागिरी में क्या पड़े के बाकी के काम कैल सके ना कैल भाई, जे काम कैल चाहे ना कैल सबके प्रणाम कर रहा बनी। लेकिन अगर आप बिहार के नागरिक हैं तो आपको इतना समझ होना चाहिए कि अगर 50 वर्ष में जिस रास्ते से आपका जिंदगी आपका भला नहीं हुआ तो अगला 50 वर्ष में भी उस रास्ते पर आपका भला नहीं होने वाला है। एक आदमी के बातें नहीं के, एगो नेता के बातें नहीं के, पिछला 50 वर्ष में बिहार में 27 लोग अलग अलग मुख्यमंत्री बने। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि सब बुरबके था या कोई काम नहीं करना चाहता था। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आखिर बिहार में ये दुर्दशा है क्यों, आखिर यहाँ की गरीबी खत्म क्यों नहीं हो रही। 1950 में बिहार तमिलनाडु बराबर के राज्य थे, आज तमिलनाडु बिहार से 6 गुना आगे हो गया। ऐसा क्या है कि बिहार में दशा नहीं सुधर रही, इस बात को समझिए। जब तक रोग के कारण का आपको समझ नहीं होगा तब तक रोग का इलाज नहीं हो सकता। आपको लग रहा है कि सरकार ठीक नहीं है, आपको लग रहा है कि नेता काम नहीं कर रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि ये वजह ही नहीं है, वजह कहीं दूसरी है। देखिए, दुनिया में गरीबी से निकलने के विद्वानों ने 3 ही रास्ते बताए हैं। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ जाएगा, शिक्षित हो जाएगा, पढ़ लिख के नौकरी पा जाएगा तो उसकी जिंदगी सुधर सकती है। दूसरा रास्ता है खेती। अगर पढ़ाई नहीं के, खेती जो जमीन हो के तो खेती किसानी करके भी लोग अपन जिंदगी बढ़िया कर सकता नहीं। और तीसरा रास्ता है पूंजी। अगर पढ़ाई नहीं है, खेती नहीं है, लेकिन पैसा हो, पूंजी हो तो दुकान दौरी करके, रोजी रोजगार व्यापार करके अपन जिंदगी घर चला सकता नहीं।